हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। और आज मेरे साथ रोहित घोष जी हैं। इनका NMDC में सिलेक्शन हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में। सो स्पेशली ये वीडियो हमारी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है बिकॉज नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ रोहित घोष जी है। इनका December 2019 में रैंक आया था ऑल इंडिया 41 एंड इनका सिलेक्शन NMDC में हुआ है। सो रोहित, हाउ आर यू? कैसे हो आप? गुड सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड आई होप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आई विल हेल्प अ लॉट एंड गिव सम गाइडेंस हाउ टू अप्रोचिंग टू द इंटरव्यू। आई थिंक इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस। या थैंक्स अ लॉट सर। First of all, your campus was conducted in online mode. So what was your experience for that? Before going to the campus, just give a short introduction of me. My name is Rohit Ghosh. Actually, I am from Kolkata, and I started CMA in December 2017 after completing my graduation and. I completed my CMA in December 2019 and securing rank All India rank 41. And along with that, I also did my internship of almost 1 year in manufacturing company. So that is my short introduction. And if I telling about online training and experience, we are the first batch. Which will conducting the online training. तो पहले क्या हुआ था कि जो दिसंबर में मतलब जिसका रिजल्ट फरवरी में निकला था, तो उसके बाद क्या होता है कि 14 दिन का शायद ओरिएंटेशन होता है। मतलब बेसिकली 12 डेज का मतलब है। तो बेसिकली क्या होता है कि कैसे क्या अप्रोच करना है, कैसे इंटरव्यू में, मतलब इवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्रेसिंग सेंस, मतलब क्या पहनना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, एवरीथिंग दे टीच यू। तो बट एक दिन मार्च में मेरे को याद है 14th of March आई थिंक स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल हो गया। फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसे कि पता है ऑलमोस्ट 1 year लॉकडाउन चल रहा था, तो बीच में इंस्टीट्यूट डिसाइड किया तो वी आर गोइंग फॉर अ ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ऑनलाइन में अब क्या होता है, दोनों मेजर डिफरेंस होता है कि मतलब डायरेक्टली इंटरेक्शन तो नहीं होता है, तो इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होगा, मगर हाँ काम का है, मतलब कुछ सिखा के जाएगा वो, मतलब लर्निंग है उसमें अगर आप चाहें तो। तो ये थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस मेरा मतलब ठीक ठाक था। बस देन जब ओरिएंटेशन खत्म हुआ फिर कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हुई। सो एक्चुअली उसमें बहुत इश्यू आया था थोड़ा, मतलब कैसे है कि टोटली न्यू था कोविड, तो उस वजह से मैक्सिमम कंपनी क्या हुआ था अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। सो ऑलमोस्ट 6 to 7 months ऐसा कोई प्लेसमेंट आया ही नहीं। ठीक है, तो तब बहुत मतलब जैसे डिसअपॉइंटेड होगा, मतलब हमारे टाइम पे तो हुआ ही था, एक्सपेक्टेशन था कि डिसेंबर मतलब क्वालिफाइड होने का पहले का एक चीज होता है, और बाद में एक और चीज होता है कि बाद में पता चलता है कि अरे क्वालिफाइड हो गया, जॉब नहीं मिल रहा, तो उसका थोड़ा ऐसा टेंशन और हेडेक रहता ही है, मगर फिर भी हाँ वो एक रहता ही है। क्वालिफिकेशन बाद में जब स्टूडेंट होता है तब क्या पढ़ाई पे फोकस रहता है, मगर क्वालिफाइड होने के बाद सबका जॉब में ही फोकस चला जाता है, तो वो कितना भी बोले वो दिमाग पे चलता ही रहेगा कि जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। मगर एट द एंड इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा कोशिश किया था उस टाइम पे भी। तो बहुत सारा कंपनी आया भी था, PSU आया था, आई थिंक 4 PSU विल बी वॉज देयर। वन इज राष्ट्रीय इस्पात निगम, इट इज द फर्स्ट PSU। तो ये हायर किया था मार्च या मतलब अप्रैल के मंथ पे, अप्रैल या मई में शायद आया था। वो एक PSU था, तो उसके बाद इमीडिएट PSU था RDC में, RDC एंड
हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड का, और उसके बाद आया था NMDC जो थर्ड PSU था उसमें, जिसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था PSU में, एंड लास्ट आया था मेकॉन। तो ये चार ही PSU पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा पर्सनली शॉर्ट लिस्ट एक्चुअली क्या होता है, दो चीज है, ठीक है। वो फर्स्ट थिंग इज दैट देर इज अ रूल्स दैट ओनली 4 कंपनी आर सिलेक्टेड, बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन एंटायर ऑनलाइन आई मीन करिकुलम आई थिंक इंस्टीट्यूट डोंट फॉलो दैट रूल्स, बिकॉज मेरा 4 से ज्यादा में ही आया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, मतलब पहले क्या होता था कि जब इंटरव्यू चलता था तो आप जाते थे, एक ही दिन में सबका इंटरव्यू होता था, तो तब आप सिलेक्ट कर सकते कि आप किस में बैठ सकते हैं। वो शॉर्टलिस्ट करेगा, 6 कंपनी 7 कंपनी शायद आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा, मगर बैठने का डिसीजन आपका होता है। मगर इसमें एक एक दिन, मतलब मान लीजिए आज ITC के इंटरव्यू, 1 मंथ और 2 मंथ बाद अगर कोई कंपनी आए तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। तो ऐसा हुआ था। तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूट 4, मतलब ओनली मैक्सिमम 4 कंपनी, वो रूल्स फॉलो नहीं किया था। एंड आई होप दिस अटेम्प्ट आल्सो द सेम थिंग विल बी हैपन। वो शायद, मेरे को लगता नहीं वो रूल फॉलो करेगा। और वन मेजर थिंग, जस्ट ये लास्ट थिंग था, वन मेजर थिंग की एक बहुत बड़ी चीज है, मान लीजिए किसी कंपनी में आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, ठीक है, अब उसका पैकेज कम है ज्यादा है वो आपके ऊपर है, आपके हिसाब से आपका पैकेज आप डिसाइड कर सकते, ये मेरे लिए कम है कि ज्यादा है। अब उसमें आप बैठ गए और आप सिलेक्ट हो गए, तब उसके बाद आप बोलेंगे कि ना मेरे को ये इसमें जॉब नहीं करना है ना, तब वो नहीं होता है। वो ये एक छोटा मतलब रूल है, वो आपको बैठने नहीं देगा फिर। ये एक छोटा चीज बस है। ओके, ऐसे मेरे हिसाब से जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है पहले ही अपना CTC डिस्क्लोज कर देती है कि आपका पहले CTC डिस्क्लोज कर देती है, कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये CTC ऑफर की जाएगी। वो फिक्स होता है कि आप उसमें नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। मगर कुछ कुछ PSU, जैसे मेरे को NMDC और REC का CTC तब पता नहीं चला था, वो आपका सिलेक्शन और एट द डे ऑफ सिलेक्शन तब पता चला था कि कितना CTC दे रहा है। मतलब जैसे इंटरेक्शन कम होता है तो उस हिसाब से पता करना मुश्किल है। मगर किसी किसी कंपनी में, कंपनी का क्या होता है, वो दे ही देता है कि हम इतना देंगे। हाँ, कुछ कंपनी देती है, कुछ कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है। सो मोस्टली कितनी कंपनीज में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे हुई थी, कुछ नाम याद है? हाँ, मेरा फर्स्ट मतलब RINL में मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे को पता नहीं एक्चुअली क्या होता है उसका, वो सब कंपनी का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो, आप अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगा मेजरली क्या देखते हैं। तो वो क्या होता है कि वो कंपनी का, आप मान लीजिए आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका नाम आ जाएगा। वो कंपनी के ऊपर है कि वो आपको लेगा कि नहीं लेगा। हाँ, ये मैं ये पूछा था एक्चुअली, मेरा ये हुआ था RINL में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसका क्राइटेरिया मेरा मैच कर जा रहा था, तो मैं इंस्टीट्यूट में फिर पूछा, वो बोला कि वो उनको, उनके हाथ में नहीं होता। वो कंपनी डिसाइड करेगा कि आपको वो शॉर्टलिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सिर्फ लिस्ट दे देता है इंस्टीट्यूट। तो मेरा फर्स्ट शॉर्टलिस्ट हुआ था ITC में, ITC टोबाको में मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था मार्च और अप्रैल मंथ पे। तो वो जस्ट उसके बाद फिर मैं उसमें इंटरव्यू दिया था, उसका एक्सपीरियंस मैं मतलब बाद में उसके बाद मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था टैक्स कनेक्ट में, मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था टैक्स कनेक्ट। उसके बाद RDC ITC अगेन मेरा ITC फूड में मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था ITC फूड में। और फिर मेरा हुआ था REC में हुआ था, फिर एट द एंड NMDC हुआ था, मेरा हो गया था। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कैंपस भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारा कंपनी में इंटरव्यू दिया था। वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट ये स्पेशली पहले हम कैंपस के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अब स्पेशली जैसे आप क्वेश्चंस के बारे में आप बता रहे थे ITC एंड NMDC, तो जिसमें भी आपने इंटरव्यू दिया तो उनका कुछ क्वेश्चंस एक्सपीरियंस आप शेयर करें। पहले अदर का शेयर कीजिए, फिर NMDC का अलग से शेयर करेंगे। अदर का मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कि ITC का मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ITC का इंटरव्यू इन कम्पेयर टू अदर थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उनका 5-4 राउंड तक इंटरव्यू जाता है, ठीक है।
जब वो तो और क्या होता हुआ था इंटरव्यू, मतलब कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। एक्चुअली जब फिजिकल तो आप जाएंगे फिर वो आपको देखेंगे यस तो आपको बोल पाएगा, मगर ऑनलाइन में क्या होता है कि आप जैसे दिखाएंगे वो मतलब वो उस तरह ही आपको देखेंगे, क्योंकि आप वो सिर्फ एक वीडियो पे देख रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं। जैसे ITC का क्या हुआ था, ऑडियो पे हुआ था, ITC टोबैको को मैं बोल रहा हूँ, मतलब टेलीफोनिक हुआ था या फिर टेलीफोनिक हुआ था। वो क्या होता है, फर्स्ट वो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू लेगा, ओके, वो फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जब आप मतलब आप वो सोचेगा कि हाँ आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, फिर वो फर्दर जाएगा और आपको वीडियो में आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। तो ये ITC का प्रोसेस था। मगर PSU में क्या होता है, एक्चुअली PSU नॉट अलाउड टू टेक अ इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उनका फिजिकली होता है। अच्छा, मेरा RDC और NMDC में फिजिकल इंटरव्यू होता, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आपको कहाँ पे उन्होंने बुलाया फिर इंटरव्यू के लिए? वो एक्चुअली चार सिलेक्शन कर सकते हैं, चार जगह, तो मेट्रो सिटी चार ही है, तो मेरा मैं कोलकाता मेरा नियर था। अच्छा, तो इसलिए। और ये सिलेक्शन में भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि आप मान लीजिए कोई आपको बोलेंगे कि ये आप मुंबई सिलेक्ट कीजिए आपका हो जाएगा, कोलकाता में नहीं कीजिए, कोलकाता में ज्यादा कंपनी नहीं जाता है आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। नहीं, स्पेशली स्पेशली मुझे जहाँ तक मतलब नॉलेज है कि जो भी PSU पार्टिसिपेट करती है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है, वो लोकेशन नहीं देखती है। हाँ, वो एक वो एकदम ठीक बात बोले हैं, वो ऑल ओवर बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करता है। एंड देन मतलब अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे? फर्स्ट तो वो हाँ ITC का मैं बता दे रहा हूँ। ITC में मैं 2 बार इंटरव्यू दिया था। क्या हुआ कि फर्स्ट में वो आपका तो बेसिक इंट्रोडक्शन सब जगह पूछेगा कि इंटरव्यू रिहर्सल, वो फिक्स है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें जो जो डिस्क्लोज करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रह जाएंगे, क्वेश्चन उधर से होगा, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब टेलीफोनिक में जैसे कन्वर्ट हुआ है फिजिकल से, तो वो क्या होता है कि वो टाइम आपको कम देगा, क्यों, तो वो उसमें नहीं जाके आपको टेक्निकल ज्यादा पूछ के देख लेगा कि आपका नॉलेज जैसे ठीक है। जैसे ITC में मेरे को क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा था, इंट्रोडक्शन पूछा, तो उसके बाद मेरे को डिप्रिशिएशन के बारे में पूछा था। इंडेस तो अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इंडेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इंडेस एंड GST का पूरा एकदम क्या नया अमेंडमेंट, वो क्या आया है ना है वो सब, और बेसिकली जो लास्ट 2-3 मंथ का अमेंडमेंट उससे पूछता है। हाँ, सब कंपनी पूछेगा उससे, सब कंपनी पूछती है एकदम, सब कंपनी वो डेफिनेटली वो पूछेगा ही पूछेगा, और स्पेसिफिकली इंडेक्स में ज्यादा फोकस देना, क्योंकि क्या होता है पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, मतलब डिपेंड होता है कि आपका रोल क्या है उस कंपनी में। तो अगर कोई कंपनी आपको मान लीजिए कोई फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए हायर कर रहा है, उसका पोस्ट है, तो वो कोर अकाउंट से ही पूछेगा। आप जितना भी बोल लीजिए कि आप GST में काम किए कि आप डायरेक्ट टैक्स में काम किए, वो उससे नहीं ज्यादा पूछेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अकाउंट्स का काम करना है उस उधर, तो वो ज्यादा फोकस उसमें देगा। तो बेटर है कि कहीं पर इंटरव्यू देने से पहले आप एक बार पोस्ट देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू है। ओके, जैसे LNT हो गया और वेदांता हो गया, तो वो क्या वो कॉस्ट प्रोफाइल में ज्यादा फोकस देता है स्पेसिफिकली, तो वो क्या होता है उससे क्वेश्चन ज्यादा देगा आपको क्या, तो वो इम्पोर्टेंट है एक चीज। देन अब हम आ जाते हैं NMDC के ऊपर, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारा यही है। तो NMDC में एक्चुअली क्या हुआ था, RDC एंड NMDC का इंटरव्यू बहुत पास पास था, ठीक है। तो RDC का इंटरव्यू मेरा था 31st December आई थिंक 30th December ईयर के एंड पे था 2020 में। तो वो RDC का इंटरव्यू मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, ठीक है, मगर दो इट्स माय मतलब फर्स्ट फिजिकल इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन पे उसको लेके जाएंगे।
तो मेरा डायरेक्शन थोड़ा, मतलब मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रांग है और लॉ वगैरह थोड़ा वीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे इंटरेक्ट किया ना, वो लॉ के तरह ज़्यादा चला गया, तो वो उसी से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा था, तो अब उतना इन डेप्थ मेरे को लॉ का उतना याद नहीं था, क्योंकि तो इसलिए REC कैंटीन मेरा नहीं हो पाया गया था, अच्छा मतलब मैं, हाँ, नहीं हो पाया, मगर मैं आंसर सब दिया है जितना मेरे को आता था, अच्छा क्योंकि मेजरली कंपनी चेक क्या करता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी छोटा एक चीज के लिए वो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आने के बाद आपको वो, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आप पूछे आप जानते नहीं थे, तो आप घर जाके डेफिनेटली वो देख लेंगे, तो उस बेसिस पे वो डिसाइड नहीं करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कॉन्फिडेंस कैसे कितना उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं उसको, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो REC का इंटरव्यू मेरा खराब गया था, और उसके बाद NMDC का इमीडिएट इंटरव्यू था अच्छा, कुछ दिन बाद, तो तो थोड़ा सा अब नर्वस फील हो रहे थे बिकॉज नहीं एक नहीं इंटरव्यू। मैं मेरा क्या हुआ था, एक साल मतलब मैं ट्राई कर रहा था, तो हाँ, उतना ज्यादा ये नहीं था, तो मतलब उतना ज्यादा टेंशन नहीं क्या था। बोल रहे, मतलब होप ऐसा नहीं था, तो अच्छा लास्ट हाँ, में या जहाँ मैं, अब मेरे को ये पता चला कि मैं REC के टाइम पे नर्वस था, तो मेरा वो मेजर रीजन था मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, अब NMDC के टाइम पे मैं क्या किया, मतलब मैं इतना REC में इतना डिसअपॉइंटमेंट हो गया था मेरा, NMDC में मैं सोचा कि अगर होगा तो होगा, नहीं तो दूसरा ट्राई करेगा, मैं ऐसे सोच के ही नहीं गया था मेरे को हो जाए बस, अच्छा तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटरव्यू अटेंड कर पाया था, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड. तो देन व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क्ड इन द इंटरव्यू? मेजरली हर इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट ना हो तो मेजर वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप घर आके देखिए कि क्या गलती है, तो मेरा REC का सबसे बड़ा गलती था कि लॉ पढ़ के नहीं गया था, ये मेरा गलती नहीं था, एक्चुअली मेरा गलती था, मैं वे ऑफ इंटरव्यू में दूसरा जगह लेके चला गया जो मेरा स्ट्रांग एरिया ही नहीं था, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे इंटरेक्शन करें और कुछ बोलें तो वो आपके हिसाब से लेके जाइए कि आपका जो कोर एरिया है, तो मैं NMDC में स्ट्रांगली मेरा फिनांस एंड अकाउंट्स कोर एरिया था, और कॉस्टिंग जे मतलब जैसे कि NMDC एक माइनिंग इंडस्ट्री है, तो आयरन ओर का माइनिंग है, तो कॉस्ट ऑडिट में मतलब माइनिंग का स्पेसिफिक एक कॉस्ट ऑडिट है, रूल है कॉस्ट ऑडिट का, मेरा आई थिंक 23 होगा, वो सिर्फ माइनिंग पे ही फोकस है, वो स्ट्राइपिंग रेशियो, ये स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो, ये वो, तो मैं वो अच्छे से देख के गया था, और अकाउंट्स और फिनांस तो देख के ही गया था, तो वो जब मेरे को बेसिक क्वेश्चन पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो तो सब पूछता है, तो उसमें मैं फिनांस का कंपोनेंट ज्यादा दिया था, हम इंट्रोडक्शन जब दिया था, मतलब हॉबी ये वो, इसमें फिनांस और अकाउंट्स का कंपोनेंट ज्यादा दिया था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो वो उस हिसाब से वो क्या किया कि वो मेरे को फिनांस से ज्यादा पूछ रहा था, तो वो मेरा कोर एरिया था, तो उसमें मेरे को कोई मतलब ऐसे हुआ ही नहीं, तो वो उस हिसाब से मेरा इंटरव्यू उधर बेस्ट गया था, क्योंकि वो मान लीजिए वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि डिप्रिसिएशन का इंडेक्स बोलो, तो आप बोलेंगे, फिर आप अगर उसमें कुछ बोलेंगे तो वो आपको उसी से, मतलब जो आंसर देंगे उसी से आपको क्वेश्चन करेगा, ये इंटरव्यू में ज्यादा होता है, तो वो मेरा एकदम सही गया था, तो मेरा क्वेश्चन फिनेंशियल मार्केट में था, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, NMDC का रेट वगैरह क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा था, फिर कॉस्ट ऑडिट में बोला कि सर ये ऐसे स्टाइपिंग रेशियो वगैरह होता है इसमें, मैं खुद से ही बोल दिया था ताकि वो उससे क्वेश्चन करे मेरे को, क्योंकि आप अगर उसको खुला छोड़ देंगे ना वो कुछ भी पूछ लेगा आपको, मैं भी ऐसा ही करता हूँ इंटरव्यू में ना, मैं सामने वाले को बता देता हूँ। हाँ मैं वो किया था, और REC में ये मैं यही सीखा था कि कैसे इंटरव्यू को लेके जाना है दूसरी तरफ, तो आप खुद बता दीजिए कि मेरा ये मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये मेरे में मतलब मुझको इसमें इंटरेस्ट है, तो वो खुद पे मतलब उससे ही क्वेश्चन आपको करेगा, तो वो मेरा था, तो जो बताया था मैं अच्छे से आंसर दिया था, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल, तो वो आपको इम्प्रूव करना होगा या किसी भी डेफिनेटली। इंटरव्यू में, हाँ, किसी भी इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल इज द ग्रेटेस्ट थिंग, सो और अभी आप GDP भी होगा, अभी आपके पोस्टिंग लोकेशन क्या है?
मेरा अभी तो प्रोजेक्ट में दिया है, मैं अभी हूँ बचेली में, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में? थोड़ा रूरल नहीं, बहुत ही रूरल एरिया है। यार मुझे पता है, तभी तभी हम इस तरीके से कनेक्ट होने एक दूसरे से। एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होना था, मगर मेरे इधर नेटवर्क एकदम ही नहीं है, बहुत खराब हाल है, नहीं तो तो इस वजह से। हाँ, तो फर्स्ट ईयर आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी वो काम से? एग्जीक्यूटिव अच्छा, ट्रेनी फिनांस, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सीटी। फाइनेंस। सो ये पूरी जर्नी रही आपकी कैंपस की। तो स्टूडेंट्स को कुछ गाइड स्पेशली कि आप कुछ जो स्पेशल सजेशंस? स्पेशल सजेशन, फर्स्ट सजेशन इज स्टडी अबाउट द कंपनी, इट्स द मेन थिंग। वो आपको पूछेगा ही, अगर ना भी पूछे, मतलब मान लीजिए मेरे को आईटीसी में पूछा ही नहीं था कि आईटीसी के बारे में क्या जानते हो बोलो, या आईटीसी से कोई क्वेश्चन, तो क्या उस हिसाब से क्या करना है कि जब कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ना, कोई एग्जाम्पल देना है तो उसी कंपनी से लेके दे देना, वो बेस्ट होता है। तो जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मेरे को आईटीसी में कॉस्ट से बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, जीएसटी से बाय प्रोडक्ट, जीएसटी से आई थिंक देर इज ए टू कंसेप्ट, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वो एक नहीं, मेरे को अभी एग्जैक्ट, कॉस्टिंग में हाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग में था, या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय था, प्रोडक्ट, तो वो मैं कभी मेरा कभी जैसे, कभी हाँ कभी माइंड स्किप कर जाता है, कोई बात तो वो मेरा क्या बोलता, वो टबाको में था, तो मैं उसी से एक एग्जाम्पल लेके दे दिया था, क्योंकि वो नहीं। मेरे को अच्छा, पूछा नहीं था, तो ओके। उस हिसाब से वो कंपनी के बारे में स्टडी जरूर कीजिएगा। और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दो तीन चार बेसिक क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सैलरी एक्सपेक्टेशन को आपको पूछेगा ही नहीं, ठीक है, ये मतलब सबका फिक्स रहता है, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, ये ऑफ कैंपस ज्यादा पूछता है। या ऑफ कैंपस ज्यादा हाँ, पूछते ऑन कैंपस में इतना ज्यादा, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ये, और आपका डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ इन अ वन वर्ड और टू वर्ड, ये उसका रीजन क्या है, और ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कर लीजिएगा। और जीडी का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, करंट अफेयर्स से, क्योंकि सब कंपनी में जीडी होता है, मैं तो जितना दिया हूँ सब में हुआ है, जीडी रहेगा ही रहेगा। एंड अदर थिंग, एक्चुअली एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कैंपस पे फोकस देना चाहिए या ऑफ कैंपस भी जॉब सर्च करनी चाहिए? आई थिंक कैंपस में फोकस रखो, बट पूरा तरह डिपेंडेंट मत रहो कि मेरे को सिर्फ कैंपस से ही जॉब मिलेगा, क्योंकि अराउंड इस साल 70 to 80 आई थिंक दे आर गॉट इन कैंपस, बट द पासिंग परसेंटेज इज अराउंड 5,000 to 6,000 दे आर क्लियर सीएमए फाइनल। हाँ, इस बार 3,600 स्टूडेंट सेम क्वालिफाइड हाँ, किए। इस बार 36,000 हुआ है, तो पूरी तरह वो कैंपस में डिपेंडेंट मतलब नहीं रहना ही, वो बेटर है मेरे हिसाब से, ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहना चाहिए। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन। होप सो कि स्टूडेंट्स को भी पसंद आए एंड उन्हें भी गाइड मिल जाए इससे। वेलकम थैंक्स अ लॉट। वेलकम ऑलवेज। हाँ।